नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना अंतर्गत जुबली पार्क में 15 सितंबर की सुबह के करीब 5 से 6 बजे के बीच अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी चोरी किए जाने पर कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारी द्वारा पुलिस टीम गठित कर मात्र 5 घंटे में ही कांड में संलिप्त 2 अभियुक्त बिरसा नगर निवासी ऋषि दलाई व गौरव मुखी को चोरी हुई एक्टिवा स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, ऋषि दलाई के पास से एक ऑटोमोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जो उसने एग्रीको सिग्नल पर ऑटो सवार महिला से 15 सितंबर के दिन छिनताई की थी। हम लोग के शहरी क्षेत्र के बिष्टुपुर थाना के अंतर्गत एक स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि लोगों का नाम सामने आया था और कुछ हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड हुआ था। तो उसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया और हम लोगों ने छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करी और उनकी तत्परता के चलते हम लोगों को जो स्कूटी थी वो लेस देन 6 आवर्स में हम लोग ने रिकवर करी और जो मतलब अक्यूज थे उनको भी गिरफ्तार किया। उनके द्वारा एक और उस स्कूटी को प्रयोग करते हुए घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने एक लड़की से उसका मोबाइल छीना था, तो वो मोबाइल भी रिकवर किया गया है। और अब कुछ दिन के लिए हमको लगता है शहर में थोड़ा हम लोग की चिंता ही घटनाओं पर हम लोग अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। कितने दिनों से ये लोग का मतलब कोई वन टाइम वो नहीं है, पहले भी करते रहे हैं, पकड़ में नहीं आए थे, इस बार पकड़ में आए हैं। अब इनका आपराधिक इतिहास बनेगा और उम्मीद करते हैं कि अब लंबे समय जेल में रहेंगे। किसी गिरोह से इनका कोई संबंध है? आज तक कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह तो नहीं है, अपना ये लोग छुटपुटिया 4-5 लड़का मिलकर अपना ग्रुप बना के वही सब काम करता है। ये 2 लोग हैं पर इनकी टीम में और भी लोग हैं। क्या दोनों का नाम जो है, एक का नाम है आपका